हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम आते हैं किसी भी सर्च इंजन में। सर्च इंजन में आने के बाद आपको ब्राउजर में सर्च करना है पैन कार्ड स्टेटस। जिस भी कंपनी का आप बना रखे हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे, NSDL या UTI। तो हमने NSDL से बना रखा है, तो यहाँ पर स्टेटस टैग सर्च फॉर पैन 10 को क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन टाइप पूछा जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप लिख देंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी एक्नोमिट नंबर है वहाँ फिल कर दीजिए दोस्तों। एक्नोमिट नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कैप्चर को फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद उसके बाद आपको इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताया जाएगा कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसमें डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे कैप्चर फिट कर चुके हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर अभी मेरा एक्नोलेजमेंट नंबर लगता है 15 अंकों का एक अंक मिस हो गया, तो मैं दोबारा से रिफिल कर लेता हूँ। एक्नोलेजमेंट कैप्चर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये पॉपअप आता है, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब दोस्तों जो आपने पैन कार्ड अभी फिल किया है वो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में अभी नहीं पहुंचा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ये दिखा रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आपको इसमें किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम से कम एक हफ्ते तक वेट करना है, फिर उसके बाद ही इस पर आप एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है सर्वर के इश्यू की वजह से ये आता है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पैन कार्ड अंडर प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद बन के आ जाएगा। तो इसी तरीके का टेक्निकल एजुकेशनल दोनों टाइप की वीडियो प्राप्त करके मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।